ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 है और इस पूरे मास हमने दुआएं कैसे हमें देनी है और दुआएं हमें कैसे लेनी है, इस विषय पर बाबा के अव्यक्त महावाक्य में से इशारे सुने, जिसको पूरे मास बाबा ने दुआएं दी, सभी ने दुआएं दी, जिसने सच में वो पुरुषार्थ किया वो कैसा होगा। तो आज बाबा वही हमें अपना स्वमान याद दिला रहे हैं, निश्चिंत। तो मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, निश्चिंत बनने के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता, ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अति इंद्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। आज्ञाकारी बनना, निमित्त बनना, वफादार बनना, इसके बहुत फायदे हैं। जब दुनिया में भी कोई व्यक्ति है वो कर्म कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो लीडर है, कर्म करवा रहा है, भले ही वो सारा दिन इतना खून पसीना ना बहाए, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर जवाबदारी है तो दुनिया में भी देखते हैं उसकी तनख्वाह कई ज़्यादा होती है, क्योंकि जवाबदारी लेना कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात मेहनत करने वाले को तनख्वाह फिर भी कम मिलती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल अपने काम के लिए है, सभी के लिए नहीं। और जो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका माथा सच में बहुत गर्म हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस है निमित्त बनने की, और ये इम्पोर्टेंस है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। इस समय हम सब निमित्त आत्माओं के भी निमित्त बाबा बना है। बाबा ने हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो हम कितने हल्के होने चाहिए। और बाबा तो कोई पगार भी नहीं लेता, कोई फल भी नहीं लेता, तो निमित्त भी बनता है हम सबके और फल भी हमको ही देता है। लेकिन कैसे, जब हम उनकी आज्ञा को पूरा फॉलो करें। तो बाबा बार बार कहते हैं, अगर मेरी श्रीमत पर चलोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं उल्टे को भी सुलटा कर दूंगा। तो हम आत्माएं निश्चिंत तभी रह सकती हैं जब हम पूरी तरह से अपने जीवन की डोर को बाबा को सौंपें। वो बाबा उसकी मत जो सर्वश्रेष्ठ गाई हुई है, जिसको खुद बुद्धिवानों की बुद्धि कहा जाता है, जब उनकी बुद्धि से उनकी मत पर चलेंगे तो हर कर्म में सफलता ही मिलेगी। हर कर्म करते हुए हम निश्चिंत रहेंगे और उससे अति इंद्रिय सुख की भी प्राप्ति होगी और भरपूरता का भी अनुभव होगा। ओम शांति।